नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज देव सागर। ब्रह्मानंदम भारतीय फिल्म अभिनेता और हास्यकार है। यह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। ये हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी कार्य कर चुके हैं। इनका नाम जीवित अभिनेताओं में सबसे अधिक फिल्में करने के कारण गिनीज पुस्तक में दर्ज हुआ है। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको ये से ही और वीडियो लाते रहेंगे। ब्रह्मानंदम, आज हम आपके साउथ के मिमिक्री कलाकार ब्रह्मानंदम के बारे में बताने जा रहा है। यह आपको हर साउथ की फिल्म में दिख जाएंगे। इनका नाम ब्रह्मानंदम कन्याकांति है, लेकिन लोग इन्हें प्यार से ब्रह्मानंदम बुलाते हैं। इनका जन्म 1 फरवरी 1956 को आंध्र प्रदेश में एक छोटे से जिले गुंटूर में हुआ था। यह अधिकांश फिल्में कॉमेडी की ही करते हैं। इन्हें साउथ का कॉमेडी किंग भी कहा जाता है। इन्होंने अपने अभिनय के करियर में अब तक 1600 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। यह अब तक भारत की सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में आते हैं। उनकी पहली फिल्म सन 1986 में चुत्ताला बबाई सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ा और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरा किया। एक कॉलेज में तेलुगु लेक्चरर का काम करने लगे। ये कॉलेज में लेक्चरर के साथ साथ अपने विद्यार्थियों को कॉमेडी करना तथा मिमिक्री करना भी सिखाया करते थे। एक बार उन्हें इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में बेस्ट स्पोर्टिंग आर्टिस्ट का प्राइज मिला। एक दिन वह किसी ड्रामा में एक्टिंग कर रहे थे और वहां पर तेलुगु फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर जंधयाला सुब्रहण्यम आए हुए थे। उन्होंने ब्रह्मानंदम को मोदाबाई ड्रामा में एक्टिंग करते हुए देखा और वो उनकी एक्टिंग को देखकर बहुत खुश हुए और ब्रह्मानंदम को एक छोटा सा रोल ऑफर किया और यह फिल्में उनकी पहली फिल्म चंता बाबाई थी। फिल्म को देखकर तेलुगु फिल्मों के कई डायरेक्टरों ने ब्रह्मानंदम को फिल्मों के ऑफर दिए। ब्रह्मानंदम ने एक के बाद एक फिल्म करते गए और अपने एक्टिंग के हुनर से बस का दिल जीत लिया है। ब्रह्मानंदम की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। इसके दो बच्चे हैं, एक का नाम तो राज और दूसरे का नाम सिद्धार्थ है। इनके दोनों ही बेटों की शादी हो गई है और यह सभी एक साथ ही रहते हैं। ब्रह्मानंदम भारत के उन अभिनेताओं में से है जिनका शुरुआती दौर कठिनाइयों से गुजरा है। ये भारत के एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है और आज भारत के महान अभिनेताओं में इनकी गिनती की जाती है। अपने पैशन को फॉलो करते हुए आज 1100 से भी ज्यादा फिल्में करके अपना नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2009 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ब्रह्मानंदम को साल 1992 में तेलुगु का फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन नंदी अवार्ड मिला। उनको साल 1993 में मनी फिल्म के लिए बेस्ट मेल कॉमेडियन नंदी पुरस्कार दिया गया। 1994 में अत्रा फिल्म के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर नंदी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा तेलुगु फिल्मों में कई अवार्ड्स दिए गए, जैसे 5 नंदी पुरस्कार, 1 साउथ फिल्म फेयर पुरस्कार, 6 सिनेमा अवार्ड और 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। अगर आप ब्रह्मानंदम के फैन हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ब्रह्मानंदम आज एक फिल्म करने के लिए 1 करोड़ से भी अधिक लेते हैं। ये फीस उन्होंने 2015 के बाद से लेना शुरू किया है। इनकी एक्टिंग को देखते हुए डायरेक्टर को इनकी फीस देनी ही पड़ती है। ये भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडियन में आते हैं। यह आपको हर तेलुगु मूवी भी दिख ही जाते हैं। इनकी नेट वर्थ लगभग $50 मिलियन है। मैं आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, लोगों को भी इसकी जानकारी दे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।